एक पिता अपनी बेटी का विवाह बड़े धूमधाम से करता है। बेटी अपने ससुराल चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय बीतते बीतते लगभग 10 साल हो जाते हैं। इन्हीं 10 साल के बीच इनके 3 बच्चे होते हैं और 2 बेटा 1 बेटी होती है। आखिर एक दिन क्या हुआ कि कत्ल हो जाता है। तो दोस्तों, घटना को जानने से पहले वीडियो पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप भारद्वाज। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। जो घटना है यह उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है, कानपुर। कानपुर में एक थाना लगता है नौरा। नौरा थाने में एक गांव का नाम है जो नरवा है। एक व्यक्ति राजेश, जिनकी उम्र 36 साल रहती है, ये नरवा गांव के रहने वाले होते हैं। इनकी पत्नी का नाम सुनीता, सुनीता की उम्र 32 वर्ष रहती है और इनके बीच 3 बच्चे रहते हैं, 2 बेटा 1 बेटी। परिवार बड़े हंसी खुशी से चल रहा था। बाकी 12 अक्टूबर 2019 सुबह एक थाने में फोन यह जाता है कि राजेश नाम का व्यक्ति उनकी पत्नी का कत्ल हो गया है, यानी उनका मर्डर हो गया है। जब ये बात पुलिस सुनती है तो तुरंत मौके पर पहुंचती है। जब मौके पर पहुंचती है तो सच में यह एक नहीं बल्कि 2 लाश पड़ी रहती है और वह किसी और की नहीं, सच में राजेश की पत्नी सुनीता की रहती है। और जो एक और व्यक्ति मरने वाला रहता है वह राजेश की बुआ का लड़का मनीष होता है। जब यह बात पुलिस देखती है तो नजारा पुलिस देखते ही बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पूछताछ करती है कि आखिर इन लोगों का कत्ल किसने किया। इन लोगों को मारा तो बिना किसी दबाव के राजेश अपने जुर्म को कबूल लेता है, कहता है कि इन दोनों को हमने मारा है। जब ये पुलिस सुनती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। एक व्यक्ति कत्ल करता है और बिना शक्ति के, बिना दबाव के, बिना वो अपने गुनाह कबूल कर लेता है। फिर वो राजेश से ये पूछते हैं कि ऐसा क्यों किया। राजेश जो बात बताता है लोगों के होश उड़ जाते हैं। दरअसल जो राजेश रहता है वो खेती किसानी का काम करता रहता है। जब परिवार बढ़ता है तो मेहनत करता है और खेती बाड़ी में ज्यादा ध्यान देने लगता है और अच्छे तरीके से खेती करने की कोशिश करता है। हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, पत्नी को कोई परेशानी ना हो, तो दिन भर खेती करता है। तो रात को आके जल्दी सो जाता है। तो वह जल्दी से सो जाता है। बाकी जो उसकी पत्नी सुनीता रहती है उसकी आंखों में आंखें बंद नहीं होती है। वो हमेशा अपने प्यार के पाने के लिए जगी रहती है। बाकी राजेश रहता है था अक्सर सो जाता था। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। एक दिन राजेश के घर पर एक बुआ का लड़का मनीष आता है। मनीष उसकी उम्र लगभग 24 वर्ष रहती है। मनीष देखने से बड़ा सुंदर सुंदर रहता है और मनीष उसी गांव का रहने वाला था। जब वो मनीष आता है अपने इस रिलेशन में, अपने रिश्तेदार के यानी राजेश के घर, वो सुनीता रहती है, इसको देखती रह जाती है और पहली नजर ही मनीष को चाहने लगी थी। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। जब वह देवर और भाभी का रिश्ता रहता है, अक्सर मनीष आया जाया करता था और इन दोनों में हंसी मजाक चलते रहता है। अब एक दिन यह हंसी मजाक इस कदर आगे बढ़ गया, दोनों फिजिकली हो जाते हैं और दोनों एक कमरे में जाते हैं और हंसी मजाक करते करते एक दूसरे के करीब आते हैं और इतना करीब आ जाते हैं कि दोनों शारीरिक संबंध बना लेते हैं। अब यह सिलसिला लगातार चलने लगता है। अक्सर वो यह मनीष रहता है, यह आता है और सुनीता के साथ संबंध बनाता है और सिलसिला चलते रहता है। यह बात इतना आगे बढ़ जाती है कि कहीं ना कहीं राजेश को भी शक हो जाता है। बाकी कभी वो अपने आंखों से देखा नहीं रहता। धीरे धीरे समय गुजरता है। इसी बात की जानकारी जो राजेश के पिता मोतीराम रहते हैं, उसकी माँ का नाम अनन्या देवी रहता है, इन लोगों को पता चल जाता है कि जो मनीष आता है हमारे घर, इसका हमारे बहू के साथ कोई ना कोई संबंध है। एक दिन अनोनी देवी ने इन दोनों को आपत्तिजनक में देख लेती है और जब देख लेती है तो यह बात अपने पति से कहती है। जब पति से कहती है तो इस बात की जानकारी अब सुनी यह बात सुनीता को भी लग जाती है। सुनीता इस बात पर धीरे धीरे विवाद करने लगती है और झगड़ा करने लगती है। कहती है कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं सबके साथ नहीं रहूंगी। वो लोग सोचते हैं कि इस बात को
जब बेटे से कहते हैं तो विवाद बढ़ जाएगा, बेटे बहू का झगड़ा, तो उस बात को लोग दबा देते हैं, कुछ कहते हैं नहीं है। इधर यह झगड़ा करने लगती है, सोचती है कि इन लोगों से अलग रहूंगी तो निश्चिंत होकर मनी से मिल पाऊंगी। अब अपने पति से कहती रहती है। जब यह बात मोतीराम को पता चलती है, मोतीराम गुस्से से स्वयं ही अलग हो जाता है अपनी पत्नी को लेकर। अब इधर जो सुनीता रहती है, उसको मौका मिल जाता है। अब अक्सर मनीष को बुला के उसे संबंध बनाती है। अक्सर रात को भी मनीष रुकता है और मनीष के साथ वो शारीरिक संबंध बनाती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। बाकी एक दिन कुछ ऐसा होता है कि राजेश खेत पर से आके वो सो जाता है। उसी समय रात को मनीष को फोन करके बुलाती। दरअसल मनीष उस रात गांव पर ही आया हुआ था। उसको उसके चाचा के लड़के का तिलक रहता है, तो उसके पिताजी कहते हैं कि ऐसा है, तुम जाओ अपने मामा मामी के घर, निमंत्रण भी दे आना और उन लोगों को भी लेकर आना। मनीष तो आ जाता है। बाकी मनीष अब सुनीता से मिलने की जिद करता है। सुनीता कहती है कि नहीं, पति अभी हमारे जाग रहे हैं, मैं तुमको बुला नहीं सकती घर में। बाकी मनीष जिद करने लगता, कहती है ठीक है, जैसे सो जाते हैं वो वैसे ही फोन करूंगी, आ जाना। अब सुनीता को कहां नींद आ रही थी, इंतजार करने लगती है। जैसे ही राजेश सो जाता है, वैसे वो मनीष को फोन करती है, मनीष आ जाता है। दोनों एक दूसरे कमरे में चले जाते हैं। दूसरे कमरे में जाते ही दोनों आपत्तिजनक में अपना जो भी है शारीरिक संबंध बना रहे थे। तभी राजेश की नींद खुल जाती है। जब राजेश की नींद खुलती है तो देखता है कि हमारी पत्नी कमरे में नहीं कर बरामदे में की तरफ जा रहा था। तभी किसी दूसरे कमरे से आवाज आती है। अब आवाज को सुनता है तो कमरे की तरफ जाता है और खिड़की से थोड़ा सा फांक रहता है। उस फांक के जरिए वो देखता है तो नजारा देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल जो उसकी पत्नी सुनीता है और मनीष दोनों आपत्तिजनक स्थिति में दोनों दूसरे के साथ लिपटे हुए हैं। देखते ही तो बौखला जाता है, दरवाजा खटखटाने लगता है और सुनीता को यह अंदेशा हो जाता है कि लग रहा है कि राजेश अब दोनों जल्दी कपड़ा पहन लेते हैं। इसके बाद जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, मनीष भागने की कोशिश करता है। मनीष जैसे ही भागने की कोशिश करता है तो राजेश रहता है पहले से ही अपना हाथ में एक धारदार हथियार लिया रहता है, जो उस पर वार कर देता है। मनीष जब वहां गिर जाता है तो दो तीन बार उस हथियार से उसके गले पर चलाता है। मौके पर ही मनीष की मौत हो जाती है। जब नजारा उसकी पत्नी देखती है तो सुनीता वो भी भागने की कोशिश करती है। जैसे ही भागने की कोशिश करती है, जो राजेश रह वो उसको भी मार डालता है। दोनों को मारकर वो घसीट उनकी डेड बॉडी को आंगन में लेके जाकर रख देता है। इसके बाद वो डेड बॉडी के पास बैठ जाता है। इसके बाद सुबह यह शोर मचता है कि राजेश के घर में कत्ल हो गया, उसकी पत्नी का कत्ल हो गया। इसके बाद कोई पुलिस को फोन कर देता है और पुलिस वहां आ जाती है। बाकी जो ये राजेश अपने गुनाह को कबूल कर लेता है। तो इस घटना को सुनाने में मेरा मकसद यही है, मेरा मकसद यह नहीं है कि किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए। इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद यह नहीं है कि किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए। तो राजेश जो होता है उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, तो वो गुनाह कबूल करके जेल में सलाखों के पीछे चला जाता है। बच्चे अनाथ हो जाते हैं, अपने दादा दादी के पास रहने लगते हैं। इस घटना से आप लोगों को क्या समझ आया? नमस्कार, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।